आई डोंट नो, दिस इज़ माई सेकेंड ईयर इन ITI. मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि यू नो, पहले हम दूर से देखते थे ITI को. आज आई एम लकी कि मैं इतना पास से देख रहा हूँ, इतना पास से देख रहा हूँ, इतना पास से देख रहा हूँ, रिहर्स कर रहा हूँ यहाँ पे. बींग अ पार्ट ऑफ दिस ऑड फंक्शन ऑलवेज फील्स ग्रेट. और ITI से मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है, बहुत रिस्पेक्ट मिली है, एंड आई चेरिश दैट. It was not easy, that I can say. It can never be easy, you know. ये जर्नी नहीं थी इतनी आसान, और किसी की भी नहीं होती है. बट फ्रॉम अ डांसर टू बींग एन एक्टर, आई थिंक सो द टफेस्ट पार्ट वॉज लर्निंग एक्टिंग. एंड प्रोफेशनली काम करते करते ही मैं सीखा. लकीली आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी D3 से जो मुझे मिली. उसके बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी छोटी मोटी जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कोई ना गवाऊँ. जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसमें से जितना सीख सकता हूँ उतना मैं निचोड़ के सीख लूँ, और अगला प्रोजेक्ट थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में करने की कोशिश करूँ, विच आई ऑलवेज ट्राइड, एंड गॉड वॉज काइंड टू मी. लकीली आई गॉट दिस रोल, श्री कृष्ण का रोल, एंड तब से मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई. एक्चुअली वो कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर, हम हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर्स को हेट करते हैं. मैं भी हेट करता था, और मुझे पता भी नहीं था कि सुशीम का ये कैरेक्टर नेगेटिव है. मेरी कास्टिंग फाइनल हो गई, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. तो विच आई थॉट कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक्टिंग भी ठीक से नहीं जानता, और मैं नेगेटिव कैरेक्टर कैसे कर पाऊँगा. सो आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, नोबडी वॉज श्योर अबाउट इट. इवेंचुअली आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट नेगेटिव कैरेक्टर्स हैव देयर वे. यू नो, हमारे हर एक के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर बनने के लिए बस एक चॉइस का डिफरेंस है. अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके साथ 3 गुना ज़्यादा गलत कर सकता हूँ, और वो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर बनाएगा. दैट्स वॉट हैपन्स. और कोई चीज़ अगर होती है, मैं उसको अगर सिर्फ अपने पर्स्पेक्टिव से सोचता हूँ, तो मुझे सिर्फ गलत लगेगा कि मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ. तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत समझा जैसे जैसे काम करते गया. मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी एज एन एक्टर आपको प्यार देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आप दिल से वो कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते. आई थिंक सो इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज एज एन एक्टर, बट दैट वॉज द फेज जहाँ पे मैं एक्टिंग के बारे में सबसे ज़्यादा सीखा, क्योंकि वहाँ पे यू डोंट परफॉर्म टू यू नो विन एवरीवन्स हार्ट, यू परफॉर्म टू बी ऑनेस्ट विथ योर कैरेक्टर. क्योंकि आप और जितना अच्छा करोगे, लोगों से उतनी हेट ही मिलने वाली है आपको. तो वहाँ पे एक्टिंग सबसे ज़्यादा सीखने का आपके पास स्कोप होता है, क्योंकि यू डोंट डू एनीथिंग जिससे लोगों को आप चार्मिंग लगो या अच्छे लगो, वो वैसा नहीं होता. आज कुछ नहीं, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म विद दीज वंडरफुल डांसर्स हु आर देयर इनसाइड, एंड इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम कि मैं ऐसा कुछ कर पाया हूँ. It was a wonderful experience sab dancers ke saath, and all of them are very cooperative, and those old things, you know, 5, 6, 7, 8, ye sab ki aadat thi jo dancers know. To ye cheez abhi bahut time baad experience kiya hai, it was lovely. Is baar main celebrate nahi kar paunga, main abhi Gujarat se 4 ghante travel karke seedha yahan pe aaya hu. Ab yahan se 4 ghante travel karke seedha Gujarat jana hai mujhe, kal shoot hai subah. ठीक है.